हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी का स्वागत है। तो गाइस ये है डब्बा। चलो देखते हैं क्या है। ये है भाई। तो गाइस दिस इज अ पीसी कैबिनेट व्हिच इज वेरी कॉमन एंड चीप। तो ये है हमारा सबसे सस्ता कैबिनेट जो कि नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर आम घरों में और काफ़ी शॉप्स में देखने को मिलता है नॉर्मल सा कैबिनेट। लेकिन दोस्तों क्या इस कैबिनेट के अंदर कोई केबल मैनेजमेंट करता है? और किसी को भी ख्याल भी आता है कि केबल मैनेजमेंट की जाए? शायद नहीं, क्योंकि ज़्यादातर पीसीज जो है इस तरह से कैबिनेट पे जो भी बनते हैं ज़्यादातर उलझे हुए तारों से ही घिरे रहते हैं। दोस्तों मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत इसे मैनेज करने की, हालांकि यहाँ पर केबल मैनेजमेंट की कोई भी तरीके इसमें कुछ खास जो है नहीं दिए जाते हैं कैबिनेट पे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है काफ़ी अच्छे से करने की। तो दोस्तों ये है पीसी बिल्ड की केबल मैनेजमेंट की पहले की वीडियो। सोचा कि ये भी आप लोगों को दिखा दूँ ताकि आपको फ़र्क जो है साफ साफ नज़र आए। देख सकते हो वायरिंग कैसे की गई है, बिल्कुल सादा सीधा है, एकदम सिंपल, कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं। सीधा SMPS से वायर आके हमारे मदरबोर्ड पे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं है पीछे। यहाँ पे स्लिप्स स्लिप्स भी नहीं है, नॉर्मल पावर सप्लाई में स्लिप्स जो है होते ही नहीं है। और दिखने में कैसा दिख रहा है आप तो देख ही सकते हो, मकड़ी के जाला। तो ये है फ्रंट का लुक और ये हमारा जो श्राउड होता है हमारा हार्ड डिस्क का, और इसमें DVD भी आता है क्योंकि ये पुराने और कम कीमत पर है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फ्रंट पैनल का जो है और USB का जो भी है वो सारा का सारा केबल बिल्कुल आसानी से इसके श्राउड के बीच में ही, जो हमारा HDD का श्राउड रहता है उसके बीच में ही इसे निकाला गया है। ये हमारा HDD जो है इस तरह से कुछ लगाया गया है। लेकिन भाई लोग जो मैंने केबल मैनेजमेंट किया है उसको देख कर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये रहा हमारा इस बिल्ड का लुक जो है, आपको प्रीवियस लुक यानी पहले आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा नॉर्मली हमको देखने को मिलता है। दोस्तों ये रहा मेरा केबल मैनेजमेंट, काम पूरा होने के बाद बस काम थोड़ा सा रह गया, बिल्कुल मिनिमम स्ट्रक्चर। थोड़ा सा नीचे का जो है हमने फ्रंट पैनल का जो है पावर बटन वो जो है मैंने कनेक्शन नहीं किया है। यहाँ पे जो था HDD का जो केबल था हमारा सेटा केबल वो जो है मैं दूसरे तरह से भी इसमें लगा सकता था, लेकिन मुझे ऐसे ही बेटर लगा तो ऐसे मैंने लगा दिया क्योंकि वायर काफ़ी लंबा है तो मुझे ऐसे ही बेटर लगा। तो ये देख सकते हैं और मिनिमम स्ट्रक्चर लुक जो है मैंने देने की कोशिश की है। यहाँ पे जो है एंथुजियस्ट बंदे जो खास करके हैं जिन्हें हमेशा PC के साथ थोड़ा सा चेंजेस करना पसंद है या फिर फ्यूचर में अपडेट करना हो तो यहाँ पे आसानी से अपग्रेड जो है किया जा सकता है। बस हाथ घुसाओ यहाँ पे पीछे का पैनल खोल के मस्त यहाँ पे आसानी से जो है कोई झंझट किए बिना जो है मैं इसमें HDD हार्ड डिस्क जो अपना है उसे बदल सकता हूँ, रैम जो है मैं बिना किसी दिक्कत के चेंज कर सकता हूँ, एंड इवन CPU को जो है इसमें बिना केबल को छेरे जो है हम निकाल सकते हैं। ये स्लिप्स थोड़े से बनाने की कोशिश की है, येलो टेप जो है मेरे पास था और भी कलर की टेप मेरे पास मौजूद था तो उन्हीं से मैंने बनाया है। पहले जो है ब्लैक टेप का मैंने इस्तेमाल किया ज़्यादा से ज़्यादा, पर ब्लैक करते करते ख़त्म ही हो गया वो यार, क्योंकि मैं ब्लैक का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ तो ब्लैक ख़त्म हो गया तो इसलिए दो कलर हो गए। लेकिन देखने में उतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है। अगर ये साइड की जो है आप छोड़ दो तो उस पर मैं जिप टाई भी करना चाहता था, कर सकता था, लेकिन किया इसलिए नहीं है क्योंकि इन फ्यूचर जब ये SMPS ख़राब होगा, क्योंकि ये SMPS जो है जल्दी ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि मैं रिपेयरिंग भी करता हूँ तो मुझे पता है कि ये SMPS ख़राब
होगा एक समय के बाद, 1-2 साल मैक्सिमम 3-4 साल ये टिकेगा, लेकिन उतना मुझे नहीं, मेरे पास टिकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इस्तेमाल जो है अच्छे तरीके से करूँगा, मतलब काफ़ी इस्तेमाल करूँगा इसलिए। तो कहीं से ये रहा हमारा पावर सप्लाई, तो जैसे हम फ्यूचर में चेंज करने वाले हैं, और मदरबोर्ड भी मेरा चेंज होगा क्योंकि ये DDR2 बेस्ड है। दोस्तों, अब तक आपने देख लिया है कि मैंने इस पे क्या क्या किया है। तो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। इस तरह से और भी कंटेंट्स आपको देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, आज तक मैंने प्रोडक्ट्स काफ़ी रिव्यू किए हैं। आप लोगों की बारी है मेरी रिव्यू देने की कि मैंने इस पे जो काम किया है वो आपको कैसा लगा। तो नीचे कमेंट करना ना मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।